for more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video. क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, कैसे लगी फिल्म आपको? इंटरेस्टिंग है, म्यूजिकल है, इट्स सही मायनों में ये म्यूजिकल फिल्म है जो हॉलीवुड टाइप्स में जो म्यूजिकल बनती है ऐसी है। अच्छा एक्सपेरिमेंट है, मुझे मज़ा आया देखकर। फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब थ्रू आउट द फिल्म मैंने बहुत एंजॉय किया। अमेजिंग फिल्म, सबको देखने चाहिए। नाउ ऑल्सो आई एम इन टू द फिल्म ओनली एंड सब लोग आए देखे। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ मेकिंग, इट्स अ एंटरटेनमेंट म्यूजिकल एंड बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है जो विद एंटरटेनमेंट थ्रू के जरिए दिया है। एंड मूवी काफ़ी अच्छी है, एक बार तो देखना बनता है। ये फिल्म काफ़ी डिफरेंट है और जिस तरीके से अनुराग बासु ने इस फिल्म को बनाया है, देख करके एक विजुअल ट्रीट है और देख करके लगता है कि काफ़ी मुश्किल फिल्म है जिसे बनाने की कोशिश की गई। मुझे बहुत ही अच्छी लगी फिल्म, क्योंकि मैं इस फिल्म को फॉलो कर रहा हूँ यूट्यूब पे और बहुत टाइम से मैं, क्योंकि मैं रणबीर का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। या म्यूजिक वॉज गुड, लाइक सम सॉन्ग्स ऑफ द म्यूजिक वर गुड, दैट उमर है That गलती से मिस्टेक सॉन्ग एंड दैट उल्लू का बट्टर सॉन्ग वॉज वेरी गुड। सम सॉन्ग्स वर अमेजिंगली नाइस, वेन रणबीर वॉज टॉकिंग टू कटरीना दे वर सिंगिंग, लाइक सिंगिंग के साथ एक कम्युनिकेशन रखा गया है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखने के लिए। बट एक पूरी स्टोरी को आप पूरा म्यूजिकल करके दे आर कनेक्टिंग ऑल ओवर थ्रू म्यूजिक, दैट इज़ अ डिफिकल्ट पार्ट इन इंडिया। ओके, केमिस्ट्री के बारे में क्या कहेंगे? रणबीर एंड कटरीना क्यूट, मतलब एक्चुअली वो लोग कपल नहीं है फिल्म में, वो एक दोनों एडवेंचर ट्रिप पे निकलते हैं। इनफैक्ट रणबीर इसमें एज में छोटा बताया है, दे आर नॉट कपल, कपल लवर लवर वर्ड नहीं है, पर एक एडवेंचर ट्रिप पे निकलते हैं, तो इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। दोनों की बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है और जिस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ परफॉर्म करते हैं एकदम विजुअल है, देखने लायक बनते हैं। स्टार कास्ट इज अमेजिंग, आई कांट से एनीथिंग अबाउट देम बिकॉज द केमिस्ट्री ऑफ बोथ रणबीर एंड कटरीना इट्स अमेजिंग एंड लाइक Heads off because they are all-time favorite. रणबीर कपूर की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है और कटरीना ने भी उस एक्टिंग को मैचअप करने की कोशिश, पूरी तरीके से कोशिश की, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो ट्राई कर रही है, यू नो इट्स रियली नेचुरल। अनुराग बासु का डायरेक्शन, मतलब बर्फी के बाद उन्होंने इतने साल लगाए ये मूवी बनाने के लिए, तो वो परफेक्शन हमें नज़र आता है। मैं हर बार बाकी इंटरव्यूज में बोल रहा हूँ, इसको स्टार रेटिंग में मत आखिए, मेरे हिसाब से रात के सारे तारे चांद तारे धारी फिल्म को, दिस इज समथिंग एल्स। 5.5 पूरा दिल से मैं 5 देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने गाया है इसलिए नहीं, लेकिन फिल्म अच्छी लगी इसलिए 3.5।